स्टूडेंट्स माई सेल्फ अली जावेद। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.7। हम लोग इसकी तमाम तरह बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 मैट्रिक दोनों के लिए। ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, सिंपल करना है आपने इस सवाल की। इसमें 8 क्वेश्चन हैं। आज मैं आप लोग को एक समझा रहा हूँ, दो आप लोग को मैं आज घर से करने के लिए होमवर्क दूंगा, इसलिए समझ लीजिए बेटा बहुत आसानी सवाल है और सिंपल है। बस क्वेश्चन क्या है बेटा, a की पावर p डिवाइड बाय a की पावर q और फिर बाहर लगे माइनस p माइनस q। क्लियर है? सेकंड में क्या है, a की पावर q a की पावर r, भाषण कौन सा है माइनस q माइनस r, फिर a की पावर r a की पावर p, भाषण कौन सा माइनस r माइनस p। सॉल्व करते हैं। हमारा पहला काम क्या है, सवाल को दोबारा कॉपी करना, वो हमने कॉपी कर लिया। अब हम बेटा क्या करेंगे देख लीजिए, पावर से पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, तो करो मल्टीप्लाई। ये वैसे ही लिखा रहा पी पिज़्ज़ा, क्या आंसर आएगा बेटा पी स्क्वायर, क्या आएगा बेटा पी स्क्वायर, क्योंकि नंबर तो जब मल्टीप्लाई में 2 to the 4 बन जाएगा, तो पी पिज़्ज़ा पी स्क्वायर। अब पी किससे मल्टीप्लाई होगा, क्यू से, तो क्या आएगा पी और क्यू आ गया। देखो बेटा यार, तो यहाँ पे साइन जो लगा हुआ है हमने वही साइन लगाने, बस अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब आ जाओ नीचे, क्या लिखा हुआ है क्यू पिज़्ज़ा पी क्यू, क्योंकि अल्फाबेट में पी पहले आता है क्यू बाद में आता है, अपना अरेंज करके रखना है। पी क्यू क्यू जा क्यू स्क्वायर हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ए वैसे ही लिखा था क्यू क्यू जा क्यू स्क्वायर, फिर क्यू आर जा क्यू आर, ठीक है ऐसे नीचे आ जाओ, आर क्यू जा क्यू आर, और फिर आर आर जा आर स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं ऐसे ही, फिर आर आर जा आर स्क्वायर, और फिर आर पिज़्ज़ा पी आर, क्योंकि पी पहले आएगा आर बाद में आएगा, फिर ऐसे ही ए रहा पी आर दा पी आर, और पी पिज़्ज़ा पी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसमें से 3 लॉ पढ़े, हमारा सेकंड लॉ क्या था कि अगर एक सवाल की दोनों की बेस सेम हो, पावर भले डिफरेंट हो, तो हम नीचे वाले बेस को उठा के ऊपर ले जाएंगे और उनके साइन चेंज कर देंगे। अब देखो बेटा, यहाँ नीचे क्या था माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे माइनस ऊपर गया तो प्लस। आगे सॉल्व करते हैं, फिर ए वैसे ही लिखा रहा माइनस क्यू स्क्वायर वैसे ही माइनस क्यू आर वैसे ही, नीचे माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का, जब माइनस का ऊपर गया तो प्लस का। आगे बढ़ जाते हैं, ए ऊपर वाली वैसे लिखी नहीं माइनस आर स्क्वायर माइनस पी आर, हमने ऊपर को चेंज नहीं किया, हम नीचे गए उठा के ऊपर ले गए, तो माइनस का ऊपर गया तो प्लस, माइनस का ऊपर गया तो प्लस। क्लियर है बेटा? याद रखो, अगर साइड नीचे प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस, और अगर माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस। अब सब देखो बेटा, ये माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल, माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर कैंसिल, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल। यहाँ कर रहा हूँ बाकी, आगे चेक कर लो हमारे पास क्या बचा वो देख लो, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ क्या बचा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, हमारा थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जब भी 3 वैल्यू आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो, तो अगर उनकी बेस सेम हो तो हम उन तीनों की पावर्स को ऐड कर देंगे। तो कर लो ऐड, दफ़ा ए आ गया ऊपर क्या माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ कौन सा है माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस आर स्क्वायर, अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो मतलब वहाँ पे क्या आता है प्लस आता है। ठीक है बेटा, देख लो बेटा, ये माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल, माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर कैंसिल, सब कैंसिल, ए की पावर कितनी बच गई 0, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 1। क्लियर है बेटा? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।